मर्डर कर देना ये एक बड़ा अपराध है, और अपराध जो करने वाले हैं उनकी कोई जाति नहीं होती, उनको सख्त से सख्त सजा मिले। देसी भाषा में कहते हैं घर में पड़ा ठीकर गड़बड़े, बोलचाल भी होती है, लड़ते हैं, झगड़े भी होते हैं, लेकिन इस प्रकार की घटना निश्चित रूप से निंदनीय है। ये बात है हुकुम की, इस तरीके की घटना होना दुखद घटना है। बाड़मेर में जहाँ अपन मारवाड़ की धरती पे भाईसारा के रूप में सारे रहने वाले हैं, छोटी मोटी बात के लिए ऐसी मर्डर कर देना ये एक बड़ा अपराध है, और अपराध जो करने वाले हैं उनकी कोई जाति नहीं होती है, उनको सख्त से सख्त सजा मिले, और गरीब परिवार के लिए सहायता का सरकार भी प्रबंध करे। और मैं तो कहूँगा कि ऐसे गरीब परिवार के लिए सबको मिलकर इनकी बच्चों के पालन पोषण के लिए मदद करनी चाहिए, और जो अपराधी है उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। अमित जी, आपको लगता नहीं है जिले के अंदर पिछले कुछ समय से लगातार अपराध की एकदम से ग्राफ बढ़ गया है? आपको ध्यान होगा कि आप एक हफ्ते भर से तो हमारा सिवाना क्षेत्र भी आपने नहीं छोड़ा है। ऐसी बालोतरा में बागुंडी में घटना घटी, उसके बाद में एक सिवाना में सिनेर में घटना घटी, वो भी मर्डर हो गया छोटी सी बात को लेकर, और कल समदड़ी में वो भी एक बिगड़ते बिगड़ते रह गया, नहीं तो मर्डर में वो भी कोई कमी नहीं रहती, और यहाँ आज घटना सुनने के बाद में पूरे मारवाड़ अशांत, वैसे राजस्थान भी 4 साल से अशांत की श्रेणी में भी आ रहा है, क्योंकि जब तक सरकार की तरफ से अब पुख्ता प्रबंध के साथ में एक जिस ढंग से रहना चाहिए वो सरकार नहीं कर पाने की वजह से महिलाओं के साथ में बलात्कार से लगाकर ये अपराध बढ़ रहा है। तो ये अपराध अपने लिए सबके लिए अच्छा नहीं है, ये बढ़ रहा है तो दुखदायित्व है। तस्करी से लगाकर सारे अपराध बढ़ रहे हैं, इनको रोका जाना चाहिए और सरकार इसका पुख्ता प्रबंध करे। निश्चित रूप से जिस प्रकार से युवक की पीट पीट करके निर्मम हत्या कर गई वो उसकी हम निंदा करते हैं। यानी बाड़मेर जिला एक सामाजिक सौहार्द के रूप में बहुत बड़ा उदाहरण है, कई पीढ़ियों तक आपस में भाई की तरह रहे, और देसी भाषा में कहते हैं घर में पड़ा ठीकर गड़बड़े, बोलचाल भी होती है, लड़ते हैं, झगड़े भी होते हैं, लेकिन इस प्रकार की घटना निश्चित रूप से निंदनीय है, किसी भी तरह से उचित नहीं है। इस घटना की भर्त्सना करते हैं, और विशेष करके ये घटना इन 3-4 वर्षों में और ज़्यादा बढ़ गई है। अभी 2-3 दिन पहले बागुंडी में दुष्कर्म के बाद हिंदर डालकर हत्या कर दी गई, और भी बलात्कार की घटनाएं, बहुत घटनाएं बढ़ना प्रदेश सरकार की नाकामी और वर्तमान में जंगलराज भ्रष्टाचार कुशासन का पर्याय निश्चित रूप से है। इस घटना की हम निंदा करते हैं, भर्त्सना करते हैं, इस शोक संतप्त परिवार के साथ हमारी संवेदना है, और हम मांग करते हैं कि इस पीड़ित परिवार को सरकार उचित न्याय के साथ साथ मुआवजा भी दे, जिस प्रकार से ये समिति तय करेगी, मुआवजा दे, परिवार के आश्रितों को नौकरी भी दे, और हम सबकी संवेदना इस परिवार के साथ है।